हाँ बच्चों, चलो आ गए हो आप अपने क्लास में। आज पढ़ेंगे अल्कोहल, क्लास ट्वेल्थ। क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 11 है अल्कोहल, ईथर एवं फिनॉल। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो भाई आज हम देखेंगे अल्कोहल, अल्कोहल का पार्ट वन। चलिए, नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। लेकिन एक बात याद है बेटा, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉपी और पेन लेकर के आइए। मेरे साथ पढ़ना है, मेरे साथ लिखना है, मेरे साथ समझना है। बिल्कुल बात समझ में आने वाली है। आज स्पेशल है क्लास आपकी, तो क्या करें। तो भाई आप सबसे पहले काम करो, कॉपी और पेन निकालो। मैं तो चैट नहीं करने वाला आज, आपके चैट का जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि समय बर्बाद करने के लिए आपस में चैट मत करो, आपस में इधर उधर की बात मत करो। रतन जी, एक काम करिएगा, आप जो जो बच्चे कुछ बोल रहे होंगे उनको आप, मैं उनको रिप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन कोशिश हम करेंगे कि मेरे तरफ से ज़्यादा रिप्लाई ना आए, ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो। हो सकता है लास्ट में आपसे आपके चैट का जवाब दें। तो पहला काम आपका है कि अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल के, अल्कोहल बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन से रासायनिक क्रियाएं हैं, रासायनिक गुण हैं जिनको हम देख सकें। तो भाई आज सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल। अब अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो वीडियो। अगर आप ये समझ रहे हो कि लाइव के साथ ही देखना है, तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो। अगर कॉपी और पेन नहीं निकाल पाए हो तो बताओ, कितने बच्चों ने कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं, पोल में जवाब दीजिएगा जल्दी से। अल्कोहल, चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, सीधा सा जवाब आपको दे दूं कि वे यौगिक जिनमें OH समूह होता है अल्कोहल कहलाता है, यानी क्रियात्मक समूह OH होता है, ये क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप। वे यौगिक जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है अल्कोहल कहलाता है, इनको हम दर्शाएंगे ROH के रूप में। ये अल्कोहल है, हम इसको परिभाषित भी वैसे ही कहते हैं, करते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH होता है अल्कोहल कहलाता है, और हम इसको दर्शा सकते हैं ROH से। यहां R जो है आप ले लीजिएगा, जो भी अल्काइल समूह है, यानी आप ले लीजिएगा CH3, C2H5, C3H7, C4H9, इस तरह से ले लीजिएगा। तो आप उन यौगिकों में जिनमें OH पाई जाती है उनको अल्कोहल कहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं CH3OH का, तो ये पहला एग्जांपल क्या है, ये अल्कोहल, ये इसको आप लोग नॉर्मल कहते हो भाई मिथाइल अल्कोहल, एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया अल्कोहल, ये साधारण नाम है। या IUPAC में क्या नाम लेते हो, मिथेनॉल। अब जिन बच्चों ने नामकरण IUPAC जिनको नहीं पता है, वो IUPAC वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। इस टेलीग्राम चैनल को आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, और इसमें आपको मिलेगा ये चीजें, और एक दूसरा टेलीग्राम चैनल हमारा डाउट नॉट, दोनों में से कोई भी एक उसमें टेलीग्राम चैनल है उसका उपयोग करिए, और उसमें देख सकते हैं कि आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। या हमारा ये विक्रम सिंह चैनल, जिसको विक्रम हैप केमिस्ट्री के नाम से आप जानते हो, इस चैनल में भी सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, IUPAC नेमिंग विक्रम हैप केमिस्ट्री, ऐसे लिखोगे तो IUPAC नेमिंग का वो वीडियो आ जाएगा, जो 4 घंटे का वीडियो, बहुत ही सुपर IUPAC सिखाया गया है, उनको जरूर देख सकते हैं आप। फिलहाल इसमें चलते हैं, ये मिथाइल अल्कोहल है या मिथेनॉल कहलाएगा। दूसरा C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल कहलाता है। लिखते जाओ कॉपी में, क्योंकि हर जगह पे एकदम स्लो मोशन में हो नहीं सकते हैं। अब ये समझ लो दिवाली क्रॉस हो गया या जो भी है, अब एग्जाम का टाइम आने वाला है, अब जल्दी है तो भाई आपको थोड़ा सा स्पीड होना पड़ेगा, मेरे साथ आपको लिखना पड़ेगा। लिखते जाओ, मैंने लिखा ये, मेरे साथ लिखते जाओ। अगर मैं आगे हो जाता हूं थोड़ा फास्ट, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लिया करो, ठीक है। इसीलिए बोलो ना, चैट नहीं करूंगा, चैटिंग का जवाब नहीं दूंगा ज्यादा, बस पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, ठीक है। क्योंकि जहां आपके चैटिंग देखने लगता हूं तो फिर मेरा भी दिमाग इधर उधर हो जाता है, नहीं तो। चलिए, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फिर बेटा इसको क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, ये इथेनॉल है। तो इस तरह से
एल्कोहल के हमने कुछ उदाहरण देखे। अब सवाल आता है कि एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल कितने प्रकार का होगा, एल्कोहल को हम किस तरह से वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए एल्कोहल को वर्गीकृत कीजिएगा। एल्कोहल में OH की संख्या पर निर्भर करता है। OH की संख्या के आधार पर हम तीन प्रकारों में बांटते हैं। देखें, पहला प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल और तीसरा टर्शियरी एल्कोहल। ये प्राइमरी एल्कोहल को हम तीन प्रकारों में बांटते हैं। अब बेटा प्राइमरी एल्कोहल किसको कहेंगे, यहां पर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में बांटते हैं। एक और वर्गीकरण मैं आपको दिखाता हूं जिसमें OH की संख्या के आधार पर दिखाता हूं। चलिए OH की संख्या के आधार पर पहले आपको बताता हूं। OH की संख्या के आधार पर इसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। OH की संख्या पे दो OH है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ये वाला नोट कर लो, ज्यादा अच्छा वर्गीकरण, क्योंकि इसमें सब कुछ मैं देने वाला हूं, प्राइमरी सेकेंडरी भी देने वाला हूं। ठीक है, अगला है डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, नोट कर लो। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम तीन प्रकारों में बांटते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, नोट करो, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल। तो ये हो गया, इसके एग्जांपल के साथ बताता हूं जल्दी से, आप देखते जाइए। तो चलिए अब मैं बताना चाहूंगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है। इसको थोड़ी सी यहीं पर लिखता हूं, छोटा सा लाइन में, आप मेरी बात सुनेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। वे एल्कोहल, मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, अगर नहीं दिख रहा है तो भी, वे एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह होता है, तब जिस इसमें क्या होगा, वे अल्कोहल जिसमें दो OH होता है, इसमें क्या होगा, वे अल्कोहल जिसमें तीन OH होता है। देख लें, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो एल्कोहल तीन प्रकार का, एक ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दो OH होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीन OH होता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इसको, इस समूह को क्या बोलते हैं, एल्कोहल का समूह, क्रियात्मक समूह है, इसको हाइड्रोक्सी समूह भी कहते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी समूह एक है, दो है, तीन है। एक बात अल्कोहल में याद रखिएगा, या किसी यौगिक में भी याद रखिएगा, एक ही कार्बन पर एक से अधिक OH कभी भी स्थायी नहीं है। किसी एक कार्बन पर डायरेक्ट एक से अधिक OH नहीं हो सकता, मतलब कोई कार्बन पर एक OH है तो दो OH नहीं हो सकता, तीन OH नहीं हो सकता है। हां, पड़ोसी कार्बन पर एक एक OH हो सकता है, उसके पड़ोसी कार्बन से या उसके दूर वाले कार्बन, किसी यौगिक में दो OH हो सकता है, लेकिन सेम कार्बन पर दो OH नहीं होगा, यह बात याद रखिएगा।
चलिए प्राइमरी अल्कोहल। अब यहां पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम तीन प्रकारों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये इस आधार पर है कि प्राइमरी कार्बन पर, प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा हो तो इसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ा हो तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, टर्शरी कार्बन से OH जुड़ा हो तो इसे हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। अब प्राइमरी कार्बन R है और ये CH2OH, ऐसा कार्बन जिससे केवल, जैसा कार्बन जिससे 3H जुड़ा हो या 4H जुड़ा हो वो प्राइमरी कार्बन होता है। ऐसा कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन या कार्बन श्रृंखला जुड़ी हो वो प्राइमरी कार्बन कहलाता है। तो इस प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा है इसलिए प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। देखिए दूसरा, ये सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन है ये, क्योंकि इसमें दो कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हुई, कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्शरी के लिए मैं एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं, आर 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 सी ओ एच। तो इस आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल को पहचान सकते हो। ये सारे अल्कोहल में एक ही OH है इसलिए मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ज्यादा एक काम करते जाइएगा, अपनी कॉपी में नोट जरूर करते जाइएगा मेरे साथ, तो आपको क्लियर होते जाएगा। चलिए ये हो गया। हाँ जी, इसके डिटेल में और भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिटेल नहीं होती और, लेकिन जितना बता रहा हूं वो आपके लिए कम टाइम पे इस अल्कोहल को समझने में पूरा मदद करेगा। दो, मैंने कहा था कि एक ही कार्बन पर दो OH कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो दो अलग अलग कार्बन पर ये OH है। इसके उदाहरण में ये CH2OH, CH2OH, इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। ये एथिलीन ग्लाइकॉल का एग्जांपल है। इसी तरह से तीन कार्बन पर OH है, ये देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल का एग्जांपल है, ये ग्लिसरॉल का एग्जांपल है। तो आप देख रहे हैं ये अल्कोहल के तीन प्रकार, क्या मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक के ये तीन प्रकार, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये अल्कोहल के प्रकार हुए। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल कितने प्रकार का होता है, उसका वर्गीकरण हमने देख लिया। अब इसके बाद, हां, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, लीजिए, चलिए हो गया। लेकिन बेटा स्क्रीनशॉट पे आप ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है आप इसे कॉपी में नोट करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ही रह जाएगा अपनी मोबाइल पर, कभी वो कॉपी में नहीं आएगा। जब तक कॉपी में नहीं आएगा तब तक दिमाग में नहीं चढ़ेगा, क्योंकि जब दिमाग कॉपी में लिखते हो ना तो होता क्या, आपको बताता हूं। मैंने जो बोला उसे आपने कानों से सुना, कॉपी में लिखने का प्रोसेस देखिएगा, मैंने जो बोला वो आपने कानों से सुना, कान से सुनने के बाद वो दिमाग में गया, दिमाग से प्रोसेस होने के बाद आपके हाथों से आकर के कॉपी में लिखाता है, यानी दिमाग में गया। मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो दिखाया उसे आपने आंखों से देखा, दिमाग में गया, दिमाग में प्रोसेस होने के बाद हाथों से आकर के कॉपी में लिखा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सीखने समझने का, इसलिए जब भी पढ़ाया जाता है आपको लिखने के लिए कहा जाता है। मैंने एक बार दोबारा पूछूं, रतन जी कोशिश करिए, एक पोल करिए इनसे कि वो कितने बच्चे अभी कॉपी में लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, क्योंकि नोट करेंगे तो एग्जाम में भी लिख पाएंगे, दोबारा देखेंगे समझ में आएगा। आप लोग पूछते हो ना कि नोट्स कैसे बनाएं, ऐसे ही बनाया जाता है, ये जो लिखोगे ना वो पूरी जानकारी आपको देगा। चलिए आप बना रहे हैं, कितने परसेंट बना रहे हैं मैं बीच में देख लेता हूं, पहले आप आगे चलते हैं। तो ये है अल्कोहल।
अल्कोहल बनाने की कुछ विधियों के बारे में बताता हूं मैं आपको, जरा देखें। अल्कोहल बनाने की विधियां, जिसमें मैं पहला आपके लिए लेता हूं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX होता है, याद रखना RMgX में ये वाला दुर्बल होता है, सीधा सा मतलब बताता हूं, दुर्बल होता है और यही टूटता है। इसी के टूटने की जब भी कोई रिएक्शन करते हो, यही टूटता है और यही एक तरह से योग करता है। पहला अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ कराता हूं, क्या अल्कोहल बना पाऊंगा, जरा देखें। अल्कोहल बनाता हूं, यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसको हम कहेंगे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। आर की जगह आप ले सकते हो CH3, MgX की जगह BrIcl जो भी लेना चाहते हो, यहां पर जो भी एल्काइल ग्रुप है लेना चाहते हो। चलो मैं सबसे पहले लेता हूं RMgX लिखता हूं और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहा हूं O2 के साथ। O2 का केवल एक ऑक्सीजन रिएक्शन में, एक अणु के लिए एक ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ये टूट चुका है, तो टूटने पर R एक संयोजकता के साथ जुड़ गया और Mg दूसरी जगह से जुड़ गया और MgX है, कुछ भी नहीं है। मैंने O2 है उसका मैंने आधा लिया, मतलब देखो हाफ इंटू टू कितना हुआ, 2/2, यानी कि एक ही ऑक्सीजन तो हुआ। हां मैं इसको ऐसे बस लिख सकता था, ऐसा क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि ऑक्सीजन गैस जो है O2 के रूप में रहता है, द्वि परमाणु अणु होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं लिखा, ठीक है, O2 लिखा। अब देखो ये बन चुका है, इसको कहेंगे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो इसको कहूंगा एल्किल नहीं बोलूंगा, एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड ये बोलूंगा। ये जब भी ऐसा कभी होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसी के साथ योग क्रिया करती है तो उसका नेक्स्ट रिएक्शन होता है जल अपघटन, यानी इसकी पानी से रिएक्शन करा दीजिए। पानी क्या होता है, HOH होता है, पानी का एक भाग धनात्मक एक भाग ऋणात्मक, OH- H+ OH- OH- को ये मैग्नीशियम वाला भाग ग्रहण कर लेगा तो क्या बना, देखो तो Mg के साथ X तो जुड़ा हुआ है, इनके साथ आ गया एक OH, जगह ये खाली हुआ तो उस जगह पे OH आ गया, प्लस एक H बचा हुआ है तो RO के पास ये जगह खाली हुआ तो इसके जगह पे आ गया इसका H, ये बन गया अल्कोहल। अब इस आधार पर आप एक एग्जांपल कर सकते हो, उदाहरण कर सकते हो, CH3MgBr की क्रिया ऑक्सीजन से कराओगे तो क्या बनेगा, क्या ये रिएक्शन कर पाओगे, चलो बताओ क्या रिएक्शन कर पाओगे। तो अल्कोहल बनाने की एक विधि ये है, बहुत सारी विधियां अल्कोहल बनाने की, तो मैं सामान्य अभिक्रियाओं को पहले बताता हूं, फिर उसके बाद आपको कुछ विशेष अभिक्रियाओं को बताऊंगा, तो कई पार्ट में ये क्लास होने हैं, सो ये फर्स्ट पार्ट में ये होने वाला है। चलिए ठीक है, तो अब ये अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा बोलो, बिल्कुल वैसे ही, ये O आ गया, 2 वैलेंसी, ये 2 भाग में टूट गया, टूटने पर क्या हुआ, CH3 एक तरफ एक बॉन्ड के साथ और MgBr दूसरी तरफ जुड़ गया। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, पानी के साथ, पानी का ये OH कौन रखता है, MgBr, तो MgBr तो पहले से जुड़ा हुआ है ये लीजिए, और इनके साथ आ जाएगा कौन आएगा, इसका OH, और इधर जो बचा हुआ है इसको भी लिख देता हूं, चलिए इधर बचा हुआ है CH3O, तो ये 2 भाग में टूट गया है, कितना में, ऐसे टूट गया है ऐसे, तो ये अलग हो गया, ये बन गया और ये अलग हो गया, वो ये दिख रहा है आपको। अब
जो पानी का भाग है वो कहां कहां गया? पानी का OH जो है ये Mg के पास चला गया, ये देखो पानी का OH किसके पास चला गया? Mg के पास चला गया, और H जो है इसके पास चला गया। इस तरह से ये मिथाइल एल्कोहल का निर्माण कर लिया, मिथेनॉल बना लिया। ऐसे ही ये एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड, आप और भी कर सकते हैं, C2H5MgBr। तो मुझे लगता है कि आप ये काम आराम से कर पाओगे। तो अगर O2 लिखना है तो हाफ करके लिखिएगा ऐसे। चलिए, तो ऐसे ही रिएक्शन कराते जाइए। तो एक विधि आपके पास आ गया है, ये रिएक्शन बनाने आ जाएगा, एल्कोहल बनाने की एक विधि क्रिग्नर्ड अभिकर्मक की ऑक्सीजन से क्रिया के द्वारा। अब दूसरा, मैं एथिलीन ऑक्साइड और क्रिग्नर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया द्वारा भी बना के दिखाता हूं। एथिलीन ऑक्साइड बेटा ये होता है CH2O, ये एथिलीन ऑक्साइड है। क्रिग्नर्ड अभिकर्मक के बारे में जान चुके हो, क्या इन दोनों की क्रिया से कुछ बनेगा? क्या ये रिएक्शन आप करा सकोगे? जरा सोचो, बहुत आसान रिएक्शन है, हो पाएगा? चलो बताता हूं मैं आपको। देखिए, क्रिग्नर्ड अभिकर्मक आपने RMgX लिया, मैं कलर चेंज करके लेता हूं ना, हो गया। दूसरा आपने लिया है एथिलीन ऑक्साइड CH2O, ये लीजिए। मैंने कहा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें से कोई भी ये वाला बॉन्ड टूटेगा जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, एक बॉन्ड तोड़ देंगे। चलिए ये वाला एक बॉन्ड तोड़ देंगे। अब इसके टूटने पर क्या हुआ? CH2 ये ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी बच गई, इसकी वैलेंसी बच गई। ये बॉन्ड टूटने पर CH2 मतलब C का एक वैलेंसी बच गया। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 2 हाइड्रोजन ने पूरा किया और एक कार्बन ने पूरा किया। इस पे बात करते हैं, इसका क्या है R? Mg किसके पास जाएगा? हमेशा ऑक्सीजन के पास ही जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम धनात्मक होता है, धातु है, धनात्मक होता है, तो ऑक्सीजन ऋणात्मक के साथ चला जाएगा, तो MgX बन गया। और R जो बचा हुआ है, ये जगह खाली हुआ है, इस जगह पे जाके जुड़ गया। इस तरह से क्या हुआ? क्रिग्नर्ड अभिकर्मक और एथिलीन ऑक्साइड में योग हुआ। अब इसकी मैंने कहा एक बात आप हमेशा याद रखिए, क्रिग्नर्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराने के बाद, क्रिग्नर्ड अभिक्रिया अभिकर्मक से क्रिया कराने के बाद जब कोई योगात्मक यौगिक बन जाता है तो उसकी जल से क्रिया आप अपने ही तरफ से करा दीजिए। ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? अब देखिए ये वाला पार्ट जो है अब यहां से टूट जाएगा, यहां से टूटेगा तो OH को ये रखने वाला है, तो Mg के साथ MgX है ये, और उसके साथ आ गया इसका ये OH, ठीक है, ये OH आ गया इनके पास, ये लीजिए, बच गया H, इसमें जुड़ जाएगा, प्लस R जो दिखता है बस उसको लिखते जाओ, बस डालते जाओ, R CH2 और आपने यहां नीचे लिखा है तो नीचे लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता किधर लिखना है, ये लीजिए O भी है इसमें, और ये H आ गया जो पानी का H है इसमें आ गया, पानी का OH इसमें आ गया था, H यहां पर एल्कोहल बना ना। तो इस तरह से आप कुछ और भी ले सकते हो एथिलीन, मैं एग्जांपल की बात करता हूं, आप CH2O अब इसकी अभिक्रिया करा दीजिए, ये क्रिग्नर्ड अभिकर्मक कोई दूसरा ले लीजिए, C2H5MgBr लेकर के रिएक्शन करके देखो, हो जाएगा। अब ये रिएक्शन आप करा पाओगे तो बताइए कितने बच्चे हैं जो इस रिएक्शन को कर पाएंगे? चलो देख के बताओ कर पाओगे, चलो बताओ। हो जाएगा? कितने बच्चे बोल रहे हैं भाई? हाँ जी, चूंकि समय बचाना है इसलिए ज्यादा मैं चैट नहीं करूंगा, चैट का जवाब नहीं दूंगा, पर आप लोगों से यही कहूंगा कि आप बना पाएंगे। चलो अच्छी बात है, काफी बच्चों ने जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बोनिल यौगिकों से क्रिग्नर्ड अभिकर्मक की क्रिया,
कार्बोनिल यौगिक। बेटा कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। कार्बोनिल यौगिक सबसे पहली बात है जिसमें CO समूह होता है, ये कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल ग्रुप, अब कार्बोनिल ग्रुप जिसमें होगा वो कार्बोनिल यौगिक है। तो कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार का होगा, वो कौन सा? सी डबल बॉन्ड ओ जिसमें कम से कम एक H जुड़ा हो, एक R हो, दो H भी हो सकता है, और दूसरा होगा जिसमें एक भी H नहीं जुड़ा है, दोनों में R है। तो ये हो गया RCHO और ये हो गया RCOR। ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। तो बात समझो, वे यौगिक जिनमें CHO समूह होता है एल्डिहाइड, वे यौगिक जिनमें CO समूह होता है कीटोन कहलाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, चलो करके देखते हैं। C डबल बॉन्ड O, देखो इसी बेस पर मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं, फिर आगे जाकर के आपको बताऊंगा कि एल्डिहाइड से अलग करके देखते हैं, फिर कीटोन से अलग करके देखेंगे रिएक्शन। इसकी अभिक्रिया RMGX से कराते हैं, तो बताओ क्या होने वाला है? सोच रहे हो ना, जो दिमाग में चल रहा है वो बता दो बस, और कुछ नहीं। जो दिमाग में चल रहा है, जो सोच रहा है, उसी के बेस पर आप बना के मुझे दिखाओ। जिनसे बन जाएगा बस लिख देना सर, बता दो किन किन से बन गया है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, कार्बोनिल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, ये पता चल गया ना आपको। चलो ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये तो हमने सांकेतिक रूप से लिखा है, ये वैलेंसी है सी ओ, इस जगह से दो वैलेंसी बच गई, दो संयोजकता ओपन हो गया। तो दो संयोजकता अगर ओपन हुआ है तो आपको पता है कि हमेशा ये वाला बॉन्ड टूटता है, तो Mg हमेशा O के पास आएगा ऋणात्मक के पास, तो MgX, R इनके साथ, इनके साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ा होगा। एल्डिहाइड है तो एक में H एक में R होगा, कीटोन है तो दोनों में R होगा, बात तो सही है। चलिए, मैंने कहा था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसी के साथ जुड़ जाए तो उसको पानी से रिएक्शन कराना होता है। अब मैं इसको पानी से रिएक्शन करा दूं, HOH। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा भी OH को तो ये ले लिया, चलिए ठीक है, Mg के साथ X जुड़ा हुआ है, OH रख लिया, प्लस H जो बचा है वो इसी M, इनको हटाने के बाद वहीं पर H जुड़ जाता है। बेटा आपके लिए तो काफी आसान हो गया, कितने बच्चे हैं इतना दिमाग लगा सकते हैं? अगर इतनी पढ़ाई के बाद इतना दिमाग नहीं लगा सकते जितना की जरूरत है, तो फिर यार आप साल भर में आपने किया क्या है? उंगली उठाना हमें भी पड़ेगा, उंगली उठाना आपको भी पड़ेगा खुद पे, अन्यथा आप कर नहीं पाओगे। अब मैं बोलूंगा, देखो यार जो कुछ नहीं कर सकता उसको कर लोगे कर करके आप, ऐसा नहीं हो सकता। आपको करना क्या होगा? अगर कर लोगे नहीं, करो, कर लोगे में नहीं होगा, करोगे तब होगा। जो आज पढ़ा रहा हूं नहीं समझ में आया, शुरू से पढ़ो, नहीं समझ में आया अब बेटा, अब बोलोगे सर मुझे बेसिक पढ़ाओ, बेसिक पढ़ाओ, यार साल भर बेसिक पढ़ोगे ऊपर कब पढ़ोगे? जिंदगी भर क्लास वन पढ़ोगे, बारहवीं कब पढ़ोगे, कॉलेज कब पढ़ोगे? जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, नौकरी कब करोगे, काम कब करोगे? सीखना तो पड़ेगा, आगे तो जाना पड़ेगा, वो तो समय के साथ जिस उम्र में जाओगे उस काम को करना ही पड़ेगा, चाहे आपका बेस हुआ हो ना हुआ हो। नहीं हुआ है तो चांस है, 20 वीडियो रखे हुए हैं, 20 वीडियो रखे हुए हैं हमने, जिसके बेस पर अगर वो बच्चा वो 20 वीडियो कर लिया, काफी बच्चों ने किया होगा, बहुत सारे बच्चे जब कहे होंगे बताओ मुझे कि बेसिक कितने बच्चों ने किया है, वो 20 वीडियो किए होंगे उन बच्चों ने, तो आज वो, और उसको क्या नाम है, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री हमने दे दिया, सिर्फ 20 वीडियो, कोई 10 मिनट का, कोई 15 मिनट का, कोई आधे घंटे का, कोई हाँ आधे घंटे ज्यादा बड़ा नहीं होगा एक भी वीडियो, हमने वो दे दिया। उतना जिसने कर लिया वो किसी भी चैप्टर को पढ़ सकता है, किसी भी चैप्टर को समझ सकता है, लेकिन जो उतने नहीं किए होंगे मैं तो समझता हूं कि वो कर ही नहीं पाएगा।
क्योंकि वो अभी भी हाय हाय कर रहा है, सर मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, अभी भी चैट में बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो तुम्हारी गलती है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहे हैं। यहां पर समझने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है ना समझने वाले बच्चों की तुलना में। क्यों भाई, बोल रहा हूं ना सही, जो बच्चे समझ रहे हैं यस में टिक करो और जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं नो में लगाओ। चलो देखते हैं, चलिए ठीक है, चलो करते रहो ऐसे रिएक्शन। अब बताओ क्या ये रिएक्शन कर पाओगे आप? मैंने लिखा एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा, चलो एक एल्डिहाइड दिया CH3CHO, इस एल्डिहाइड को कहते हैं एसिट एल्डिहाइड। मैंने एक घृणाड अभिकर्मक लिया C2H5MgBr, Cl या I भी ले सकते हैं Br की जगह। क्या ये रिएक्शन कर लोगे? सोचो कितना आसान है। चलिए ठीक है, इसमें तो ये क्या होगा CH3HCO, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक होते ही ये C2H5 अलग हो गया, MgBr अलग हो गया। तो Mg हमेशा ऑक्सीजन में चला गया, तो MgBr कार्बन पर आ गया C2H5 उसका। अब इसके साथ पानी के साथ क्रिया, तो मैंने कहा है कि घृणा अभिकर्मक जुड़ जाता है तो उसके बाद पानी से रिएक्शन कराओगे तो ये निकल जाएगा पानी के साथ, तो ये बन जाएगा MgBrOH प्लस H जो है इसमें जुड़ गया, तो CH3CH C2H5OH, क्योंकि इसका H जो है इसमें O में जुड़ गया। तो ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। तो एल्डिहाइड घृणा अभिकर्मक से एल्कोहल बनाते हैं, वो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। प्राइमरी एल्कोहल तभी बनेगा जब आप एसिटाल्डिहाइड ना लेकर के ये वाला एल्डिहाइड लेंगे HC OH, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और ये CH, ये कीटोन है, कीटोन में इसको बोलते हैं एसीटोन। सब नाम जानो बेटा, एसीटोन सब, मैं साधारण नाम लिख रहा हूं। इसको फॉर्मेल्डिहाइड है तो फिर मीथेनल कहोगे IUPAC में, इसको प्रोपेनोन कहोगे IUPAC में। फिलहाल रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, चलो देखते हैं CH3MgBr के साथ क्या आप करा सकते हो रिएक्शन CH3MgBr। चलो ये सब कराइए, ये आपका होमवर्क है पूरा स्टेप बाय स्टेप। जो स्टेप्स मैंने यहां पर लिए हैं या इसी स्टेप को मैंने यहां पर यूज किया, इसी स्टेप को मैंने यहां पर आपको यूज करना है होमवर्क। हो जाएगा या सर नो? नहीं होगा, अभी बोल रहे हो, जब पूरा करोगे तो हो जाएगा। दोबारा तिबारा करना पड़ता है बेटा, एक बार में कोई बच्चा नहीं सीख पाता है। यहां पर बताने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो कर पाएंगे, सही है। स्ट्रिक्टली करना है, अच्छे से करना है, बेहतर तरीके से करना है, कर लोगे ना। चलो अच्छा लगा, आप सुन के बहुत सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। जो नो लिख रहे हैं ना उनको तो मैंने कह दिया है, अभी भी मौके हैं, अभी भी वक्त है एक बार शुरुआत करने का और पूरा सीखने का। लेकिन अगर चाहते ही नहीं हो कि कुछ सीख के कुछ कर लें, कुछ बच्चों ने तो यहां तक मन बना लिए हैं अभी, अरे इस साल तो खराब हो गया, इस साल एक काम करता हूं, इस साल ऐसे ही पढ़ लेता हूं, आने वाले साल में दोबारा कर लूंगा मैं 12th और पक्का वो उसमें रिजल्ट आऊंगा, क्योंकि विक्रम सर ने कह दिए हैं कि भाई यहां पे वीडियो है, इसको लाइन से पढ़ूंगा तो हो जाएगा। वो साल भी वैसे ही बर्बाद कर दोगे, जो मैं कह रहा हूं उसको तो करो यार, शुरुआत तो कर दो यार, बस और कुछ नहीं, शुरुआत होनी चाहिए भाई, शुरुआत नहीं तो कुछ नहीं। बनाना है आप, ये होमवर्क है, मैंने नहीं बनाना, आपको बनाना है। क्या बनेगा वो भी बताना, IUPAC नाम पढ़ो। चलिए अगला है, ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह उपयोग होता है, कि प्राथमिक एमीन से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। प्राथमिक एमीन की क्रिया शून्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी कम तापमान पर, निम्न तापमान पर
नाइट्रस अम्ल से कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे देखना चाहेंगे आप? चलो हम बताते हैं, लिखा है वो पढ़ सकते हैं, बताना मेरा काम है। बीच में मच्छर आ गया भाई, काट रहा था मेरे को। चलो आगे देखें, आर एन एच टू, ये क्या चीज है? एक एमीन, फर्स्ट डिग्री एमीन या प्राथमिक एमाइन। इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। नाइट्रस अम्ल एच ओ एन डबल बॉन्ड ओ, ये कहलाता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को लिख सकते हो एच एन ओ टू। आपको यह हमेशा जानकारी में होना चाहिए कि नाइट्रस अम्ल कभी भी लेबोरेटरी में नहीं मिलता है, लैब में नहीं मिलता है, उसे उसी टाइम तुरंत बनाने पड़ते हैं। तुरंत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये जरा ध्यान दीजिएगा। सोडियम नाइट्राइट ये है, इसमें आप HCl का विलयन मिलाओगे, तनु HCl, और इस पूरे वातावरण को पहले से ठंडा रखा जाता है, तनु HCl को ठंडा रखा जाता है और ठंडा वातावरण, ठंडे वातावरण में बर्फ में इस HCl को मिला जाता है। तो ये बन इनकी रिएक्शन से बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। कैसे बन जाएगा देख लो, हम दिखा देते हैं। NaNO2 प्लस HCl, तापमान कितना कम है देखो, 0 डिग्री सेल्सियस बस लिख देता हूँ ये रिएक्शन। तो क्या बना, ये Na और Cl, NaCl निकल गया प्लस H और ये NO2, HNO2 बन गया ना, ये लीजिए ये नाइट्रस अम्ल बनता है। ये इनके साथ रिएक्शन होते समय क्या होगा जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जैसे मार्किंग करता हूँ ना बेटा, ये इनके साथ, जैसे ये दोनों एच इस ऑक्सीजन के साथ निकल गया, ऐसे आप भी मार्किंग कर दो। इससे क्या होगा अभी समझ में आ रहा है, और बाद में जब अपनी नोट्स कॉपी देखोगे तो फिर क्या हुआ है वो पता चल जाएगा। तो वो होता है नोट्स, जब एग्जाम में करोगे तो ऐसा लाइनिंग मत बनाना, ये बता रहा हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल करके बन गया पानी। दूसरी बातें यहां पर ध्यान रखिएगा, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन निकल जाएगा N2 बन करके, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। बच क्या गया ध्यान देना, इधर से R बचा है और इधर से OH बचा है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से अल्कोहल बनता है। इस तरह से अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल बनाने की यह विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन महत्वपूर्ण रिएक्शन है, बहुत काम आएंगे आपको आगे जा करके। उदाहरण C2H5NH2, इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से हो रहा है। कंडीशन आपको जो भी यहां पर मैंने लिखा है वो आप लिख लीजिएगा। क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलकर बनाया पानी, ये नाइट्रोजन मिलकर बनाया N2, और ये वाला OH, ये वाला C2H5, दोनों मिलकर के बनाया C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इसको कहते हो इथेनॉल IUPAC में, देख रहे हैं? इस तरह से अल्कोहल बनाया जाता है, इथेनॉल बनाया जाता है। तो प्राथमिक एमीन से आप इथेनॉल बना सकते हो, और ये इथाइलिमीन कहलाता है, इथेनेमीन। एक मजेदार बात बताता हूं, सेम कंडीशन है और उस तरफ क्या देखने को मिलेगा बेटा, याद रखना यहां पे प्राथमिक एमीन कैसा, एलिफैटिक,
प्राथमिक एमीन एलिफेटिक, एलिफेटिक यानी C2H5OH, मतलब ऐसा जिसमें बेंजीन रिंग से NH2 ना जुड़ा हो, क्या बोला NH2 जिसमें बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो। एरोमेटिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, C6H5NH2, ये बेंजीन है, आपको पता है ना बेंजीन है, C6H6 में से हाइड्रोजन हटा करके NH2 जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है। तो ये एरोमेटिक एमीन है जबकि ये एलिफेटिक एमीन है। एलिफेटिक एमीन में क्या हुआ था, इसी रिएक्शन को बता रहा हूं मैं यहां पे, आपको अंतर बताने के लिए दो चीजों को एक साथ रखा हूं। तो होता क्या था कि आप नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते थे और सारे कंडीशन में एक चीज तो आपको नजर आ रहा है कि सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl शून्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, यहां पर भी ऐसा है, एरोमेटिक होने पर नाइट्रस अम्ल, लेकिन बेटा जो आप यहां पर सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl की क्रिया करा रहे हो ना, उसका HCl यहां पर भी रिएक्शन करेगा और नाइट्रस अम्ल बनाएगा, कुछ HCl यहां पर भी रिएक्शन करने लग जाएगा। एरोमेटिक होगा तो HCl रिएक्शन में भाग लेगा, एलिफेटिक होगा तो इसका HCl रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। ये आपस में रिएक्शन में भाग तो लेता है लेकिन इस जगह पर रिएक्शन में भाग नहीं लेता, यहां पर आपस में रिएक्शन भाग लेता है और यहां पर भी रिएक्शन में भाग लेता है HCl। टेम्परेचर सेम है, शून्य से 5 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो एलिफेटिक है और एरोमेटिक है, एलिफेटिक में इतना रिएक्शन और एरोमेटिक में इतनी चीजें रिएक्शन में भाग लेता है। यह एक छोटी सी चीज को पहले पकड़ लीजिए आप। इस जगह पर क्या हुआ, एकदम साफ नजर आता है कि भी ये दोनों हाइड्रोजन पानी बनाने के लिए इसके ऑक्सीजन ले लेगा तो ये पानी बना लिया, ये दोनों नाइट्रोजन N2 गैस बना करके निकल गया, फिर बच गया C2H5 और ये OH, ये दोनों C2H5OH बना लिया, एल्कोहल बन गया। एल्कोहल बन गया, क्लियर। चलिए यहां पर सोचते हैं इस जगह पे क्या हुआ। यहां पर जैसे यहां पर सारे रिएक्शन इसी से रिलेटेड है, यहां पर ऐसा नहीं है, ये दो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेकर निकल गया H2O, एक और यहां पर हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन, दोनों मिलकर दूसरा पानी बना लिया, दो पानी बन गया। अब देखो यहां तक बचा हुआ है इसका, तो C6H5N दो हाइड्रोजन से निकलने के बाद ऑक्सीजन ले लिया और यहां पर डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड के द्वारा, इधर से दो बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन से जुड़ता है। जरा देखते, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है चीजें, C6H5N डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N और ये सिंगल बॉन्ड की तरफ से ये Cl, ऐसे एक्चुअली लिखा भी जाता है, ऐसे भी लिखते हैं, C6H5N डबल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, ऐसे भी लिखा जाता है। इसको कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये कहलाता है। इसको डाई एजोटाइजेशन या डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं बेटा। ये चीजें अल्कोहल के अंदर हम पढ़ रहे हैं, अल्कोहल बनाने के टाइम पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अल्कोहल बनाने की अभिक्रिया नहीं है, देख लीजिए आप।
पर उसी तरह का रिएक्शन है, इसलिए उसके कंपैरिजन में हम आगे जो पढ़ाई करेंगे उसको हम यहां पर दे रहे हैं। इससे फायदा यह होगा कि दो चीजें एक जैसे नजर आती हैं पर फिर भी किस कारण से अलग हो जाता है वो आपको सोचने और समझने में मदद मिलेगा। अल्कोहल को ही पढ़ते समय बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी चीजें आप पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, सीखें, अच्छे सीखें, समझें, अच्छे से समझें। अल्कोहल का पार्ट वन है यह, मैं इसके बाद का पार्ट भी आपको दूंगा। देखें तो ये रिएक्शन, अब सेम इस रिएक्शन को लिखा गया है तो आप एक काम करिए, ये आपके लिए रिवीजन हो गया, एक बार रिवीजन करके देखिए। तो हमने इस चीज को एक बार रिवीजन यहां पे कराया, अब इस चीज का रिवीजन यहां पे आपको करना है। भौतिक गुण, थोड़ी सी बात कह दूं, अल्कोहल रंगहीन विशिष्ट गंधयुक्त द्रव होता है जो निम्न अल्कोहल होते हैं। कार्बन 12 तक के अल्कोहल द्रव होते हैं, उसके बाद वाला ठोस होता है। इनका क्वथनांक और गलनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और अल्कोहल ईथर और एसीटोन से इसका क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इनके अणुएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। इसको और डिटेल में पढ़ा जा सकता है, आप एक बार इस चीज को अपने बुक से भी स्टडी करिए, क्योंकि रिएक्शन वाला पार्ट बता देता हूं, ये थ्योरिटिकल पार्ट है तो आप इसको कर सकते हो। मैंने कहा अल्कोहल के अणुएं, अल्कोहल का क्वथनांक एल्केन से अधिक होता है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अणुएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है पूरा, ये आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है। अल्कोहल जल में घुलनशील होता है क्योंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। ये बात आपने केमिकल बॉन्डिंग में पूरा पढ़े हैं, सो यहां पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन हां यहां पर पढ़ना जरूरी है। कुछ एक बातें, कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। चलिए पहला प्रश्न आपके पास, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल कौन सा है? एथिलीन ग्लाइकोल, मिथाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल, कोई नहीं। चलिए बताइए ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल इनमें से कौन सा है? शुरू से पढ़ रहे हो तो आप बता सकोगे, बहुत आराम से बता सकोगे। चलो बच्चों जल्दी करो। हाँ, ज्यादा बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप चैट का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तो मैंने कहा ना आपको, इसलिए कि क्लास डिस्टर्ब मत हो, आज का बच्चा भी पढ़े, कल का बच्चा भी पढ़े और आगे जाकर के भी पढ़े, हर बच्चा सीख सके, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में ये चीज शामिल हो। तो कोई भी बच्चा है ना, अमित, राजेश, मयंक, कोई भी बात नहीं करेंगे, है ना बेटा, पढ़ाई करें सीधा सीधा। राहुल, ठीक, चलिए हो गया। तो ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल ये होता है CH2OH, CHOH, CH2OH, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी इसको कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल कौन सा होगा? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या चीज है? ग्लिसरॉल। शराब में उपयोग किया जाता है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल, कोई नहीं, बताइए। शराब में कौन सा अल्कोहल होता है? जब ये क्लास चालू हुआ था सामने एकदम फोटो था दारू का, है ना, क्यों? क्योंकि अल्कोहल उसी को कह देते हैं। चलो बताओ, शराब में केवल इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथेनॉल का उपयोग किया जाता है, जहरीला होता है। ये ग्लिसरॉल का उपयोग विंटर ग्रीन के रूप में, आजकल आप लोग अपने बॉडी में ठंड के दिनों में क्या होता है कि सूखता है क्योंकि एनवायरनमेंट में नमी नहीं होती है, सो वो क्या होने लगता है कि हमारा जो स्किन सूखने लगता है, तो हम ग्लिसरीन लगा करके, जिसको ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन में क्या अंतर है, ग्लिसरॉल शुद्ध है, ग्लिसरीन मतलब ग्लिसरॉल में पानी मिला है, बस इतना ही, तो ग्लिसरीन यूज करते हो। तो अभी मैंने ग्लिसरीन का फॉर्मूला बताया, ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, ठीक।
तो ये यहाँ पर उपयोग होता है। आजकल इसको भी उपयोग करते हो आप लोग विंटर ग्रीन के नाम से या ग्लिसरीन के नाम से। चलो आंसर हो गया। कुछ होमवर्क है, जैसे प्रश्न लिखा हुआ है कि अल्कोहल जल में विलेय है, स्पष्ट कीजिए। अल्कोहल कितने प्रकार का होता है? प्राथमिक एमीन की क्रिया 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या प्राप्त होता है? क्या होता है जब वाला क्वेश्चन कुछ है। तो इन सबको आप करके रखिए, होमवर्क है। हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके लिए ज़रूरी है दो काम करना। पहला, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत अपने दोस्तों को बताइए कि बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब तो करें हैं, कॉपी में लिखना ज़रूरी है, साथ में मेरे साथ लिखना ज़रूरी है, बाद में एक रिविज़न करना ज़रूरी है, और साथ में अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी पढ़ें, वो भी सीखें, वो भी समझें, वो भी आपके साथ आपको कंपटीशन दे, आप उनको कंपटीशन दें। बहुत ज़रूरी है यार, वीडियो ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम और भी एनर्जी के साथ आपके साथ आते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।